फॉर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है जी। और आज हमारे श्रीमान मुकेश कुमार जी CBO पुगल ब्लॉक शिक्षा अधिकारी छत्तरगढ़ विद्यालय में पधारे हैं। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर सर जी बहुत बहुत स्वागत है जी, आप पधारे हो। और आज साथ में ही तहसील स्तरीय शिक्षक क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रतियोगिता भी है साथियों, वो भी आपको बताएंगे। तो सर से थोड़ी बातचीत करते हैं कि किस प्रकार शिक्षा के अंदर वो कार्य कर रहे हैं, खेलों के अंदर कार्य कर रहे हैं, सर बताएंगे। श्रीमान जी मुकेश कुमार जी, ओम प्रकाश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है विद्यालय की अच्छाइयों को बाहर जन जन तक पहुंचा रहे हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये जो अपना छत्तरगढ़ विद्यालय है, मेरे ब्लॉक का सबसे टॉप विद्यालय मान के चलता हूँ मैं। और यहाँ अपने जो प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हैं राजेंद्र जी, जी सर, बहुत ही कर्मठ और अनुशासन से विद्यालय चलाने वाले कार्मिक हैं जी सर जी। तो सभी जो अपने छत्तरगढ़ के वासी हैं, उन सबको मेरा ये कहना है कि आप इनके सानिध्य में अपने बच्चों का भविष्य बनाइए। आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके जो होनहार हैं, जिनसे आप अपेक्षा करते हैं, वो अपेक्षाएं आपकी यहाँ पूरी हो जाएंगी। तो इनसे वैसे मैं संपर्क में रहता हूँ, लगातार संपर्क में रहता हूँ, और पता चला है कि गांव का जो है वो भी सहयोग अच्छा है। फिर भी मैं अपनी तरफ से और कहना चाहूँगा कि गांव के जो लोग हैं, उनका और अच्छा सहयोग इनको मिले, समय समय पर यहाँ आएँ, इनसे पूछें, और जो भी गांव से सहयोग होता है, जैसे पहली बात तो यही है कि सबसे पहला काम जो है वो अपना एडमिशन का होता है। तो लगभग देखा जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में एडमिशन जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, पर एक छत्तरगढ़ विद्यालय ऐसा है जिसमें एडमिशन ज़्यादा हो रहे हैं। और उसका कारण यही है कि यहाँ का जो स्टाफ है और यहाँ जो कार्यरत राजेंद्र जी प्रधानाचार्य हैं, उनकी कार्यशैली बहुत ही अच्छी है। इसलिए वो जो विश्वास है वो आप लोगों को बनाए रखना है, और आगे भी इसी तरह से बच्चों को जो है इस विद्यालय में एडमिशन दिलाना है। यहाँ जब भी मैं आता हूँ, नई चीज़ मेरे को देखने को मिलती है जी सर। राजेंद्र जी जो है नवाचार करते रहते हैं शिक्षा में। हाँ, तो अपने स्टाफ में संजय जी हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, यहीं के लोकल हैं, और छत्तरगढ़ की जो आवाम है वो इनको जानती भी है, बहुत अच्छे वर्कर हैं। राजेंद्र जी से भी पता चला है और इनकी कार्यशैली से भी, जब भी मैं आया हूँ क्लासों में देखा है इनको, तो बड़ा अच्छा लगता है। इस तरह से टीम भावना से सब लोग काम कर रहे हैं और राजेंद्र जी का सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो संजय जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इसी तरह से वो जो है लगे रहें और अपने यहाँ के जो छत्तरगढ़ की जो आने वाली भावी पीढ़ी है उसका इसी तरह से निखार करते रहें, आगे बढ़ते रहें। सर जी, हमारे जो राजेंद्र जी सर हैं वो जिला स्तर पर सम्मानित भी हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो आदमी का काम बोलता है, और जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, राजेंद्र जी ग्रेट, मतलब मेरा जो पूरा पीओ, पूरा जो ब्लॉक है उसमें एक नंबर के पीओ जो हैं, एक नंबर का विद्यालय, एक नंबर का पीओ कोई हैं तो वो राजेंद्र जी हैं, और इसीलिए इनको जो है जिला स्तर पर भी सम्मानित किया गया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ राजेंद्र जी को देता हूँ, और छत्तरगढ़ की जनता को भी मैं कहना चाहता हूँ कि देखो ये जो प्रयास हैं, अच्छे प्रयास कर रहे हैं, आपकी भावी नस्लों को सुधार रहे हैं, इनमें अच्छे संस्कार दे रहे हैं, इनका भविष्य निर्माण कर रहे हैं, और इसीलिए जो है अपने जो राजेंद्र जी हैं वो जिला स्तर पर सम्मानित हुए हैं। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। आप सभी को भी बहुत बहुत पुनः धन्यवाद, बधाइयाँ, शुभकामनाएँ।
तो हमारे संजय सर जी भी हमारे साथ हैं, इनसे और राजेंद्र जी सर से पहले ऑलरेडी हमारी बात हो चुकी है, वीडियो अपलोडेड है, आप लोगों ने देखा होगा, और संजय सर से भी जानेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में, अनुशासन के क्षेत्र में आप किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, आपकी अच्छी टीम है, सीबीयू सर भी आपको सराहना कर रहे हैं। जी संजय सर बोलिए। सर्वप्रथम मैं आज हमारे बीच पधारे हमारे विभाग के आदरणीय अधिकारी महोदय श्री मुकेश कुमार जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप समय निकालकर हमारे बीच पधारे और हमें प्रोत्साहन दिया। बात विद्यालय की और विद्यालय की व्यवस्थाओं की और अनुशासन की और शैक्षणिक जो प्रगति है उसकी की जा रही है, तो सर के निर्देशन में और हमारे विद्यालय के कुशल नेतृत्वकर्ता भाई राजेंद्र सिंह जी के निर्देशन में ये विद्यालय निरंतर ऊंचाइयों को छू रहा है। और जैसा कि सर ने बताया, सभी तरह के परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहते हैं, खेल के क्षेत्र में हैं और स्काउट के क्षेत्र में हैं, एनसीसी के क्षेत्र में हैं, तो हर क्षेत्र में हमारा विद्यालय अव्वल रहा है। अभी हमारे विद्यालय के एनसीसी के विद्यार्थी भी कैंप करने के लिए गए हुए हैं। स्काउट के विद्यार्थी समय समय पर हमारे उच्च मतलब उपलब्धियाँ हासिल करते हैं, तो राज्यपाल पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं और एनसीसी के विद्यार्थी भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। और बात विद्यालय के अनुशासन की रही, तो हमारे विद्यालय के अनुशासन को हम निरंतर बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं और इसे तो हमने कुछ व्यवस्थाएं जो है वो की हैं, जिनके बारे में बताना चाहूँगा आपको कि हमारे विद्यालय में जो विद्यार्थी हैं उनका एक तो अनावश्यक रूप से आवागमन नहीं रहता है, सभी विद्यार्थी नियमित रूप से अपनी कक्षाओं में बैठकर अध्ययन करते हैं और मध्यावकाश के अंदर भी हमारे विद्यालय का कोई भी विद्यार्थी विद्यालय से बाहर नहीं जाता है। और इस दौरान हमारा जो मुख्य द्वार है वो भी बंद रहता है आधी छुट्टी में, और तमाम जो विद्यार्थी है वो विद्यालय के प्रांगण में खेलते रहते हैं अपना अल्पाहार लेने के बाद, और उसके बाद पुनः अपनी कक्षाओं में बैठते हैं। और हर शनिवार को हमारे जो प्रधानाचार्य महोदय हैं उनके साथ हमारे स्कूल्स के जो प्रत्येक कक्षा के जितने मॉनिटर्स हैं उनकी बैठक होती है, और उस बैठक में हमारे जो मॉनिटर्स हैं वो कक्षा के अंदर आने वाली समस्याओं का और चर्चा करते हैं और उनका हम सब लोग मिलकर उनका निराकरण भी करते हैं और उनको नए निर्देश प्रदान करते हैं। तो हमारे जो मॉनिटर्स हैं उनको भी हमने बहुत अच्छी भूमिका दे रखी है, वो अपनी कक्षा को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं और सभी हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो भी नियमित रूप से अपनी कक्षाओं का में अध्यापन करवाते हैं और विद्यालय को जो है व्यवस्थित रखने में, अनुशासित रखने में पूर्ण सहयोग करते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर जी आपको, आपकी टीम को, ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिएगा। और बहुत अच्छी बात जानकारी आपने दी है, विद्यालय के जो गेट पास है, विद्यालय के अनुशासन है, विद्यालय की जो शैक्षिक गतिविधियां हैं और सह शैक्षिक गतिविधियां हैं, प्रतियोगिताएं भी होती रहती है समय समय पर, ऐसे ही आप सर जी से आपसे निवेदन है भी ऐसे हमारे शिक्षकों को आप मान सम्मान दें। आप बहुत अच्छे कुशल नेतृत्व के साथ में मधुरभाषी भी हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा सर जी आपसे मिल करके, धन्यवाद सर जी आपको। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, अन्य विद्यालयों को भी मैं वो चीज़ बताता हूँ। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ एक तो पूरा माहौल है और आगे ग्राउंड भी है, पूरा खेलने का भी है और पढ़ाई का भी, इन्होंने जैसे सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, मॉनिटरिंग करते रहते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। प्रत्येक क्लास की मॉनिटरिंग होती है, प्रत्येक टीचर की मॉनिटरिंग होती है, तो इससे एक जो शैक्षिक माहौल है वो बना रहता है। बिल्कुल जी, आज अपने यहाँ विद्यालय में शैक्षिक खेलकूद प्रतियोगिता थी, शिक्षक उसमें भाग ले रहे हैं, तो अभी आवेदन चल रहे हैं उनके इसके लिए। और दूसरा एमडीएम का औचक निरीक्षण भी था, उसके लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। और शाम को भी यहाँ जैसे रात्रि चौपाल भी है, माननीय कलेक्टर महोदय यहाँ आने वाली हैं, तो इसलिए मैं भी यहाँ आया हूँ और मैंने अवलोकन किया है। हर बार मैं जब भी आता हूँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है, यहाँ आकर के सुकून मिलता है, बहुत अच्छा माहौल पढ़ाई का और सारा अच्छा माहौल यहाँ देखने को मिलता है। एक
ये जो विद्यालय है अपने आप में अलग यूं भी है, इसका जो जैसे रिजल्ट है अन्य विद्यालय जो हैं उनसे बेहतर रहता है, अच्छा रहता है जी सर, बोर्ड का जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसलिए मैं छत्तीसगढ़ के वासियों को ये कहना चाहूँगा कि आप इस विद्यालय के प्रति, आप इस स्टाफ के प्रति, आप जो प्रधानाचार्य हैं राजेंद्र जी, इनके प्रति अपना विश्वास बनाए रखें और अधिक से अधिक एडमिशन करवाएं। और जैसा कि MDM है, जो पोषाहार इनको मिलता है बच्चों को दोपहर में खिलाया जाता है, तो उसके लिए भी मैं देखता हूँ, दूसरे स्कूलों में भी देखता हूँ, यहाँ भी देख, बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है खाने पीने के लिए, उनको बैठने की जो व्यवस्था है, खाने की जो व्यवस्था है, और जो उसकी क्वालिटी है पोषाहार की, जो क्वालिटी है बहुत ही बेहतर यहाँ देखने को मिलती है। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मैं बहुत ही इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और सभी छत्तीसगढ़ के वासियों को एक बार पुनः मैं कहना चाहूँगा कि आप इसी तरह से आते रहें, कार्यक्रमों में आते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा आते रहें, भाग लेते रहें और इनका सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। CBO सर जी, आपने जो जानकारी दी बहुत ही अच्छी दी, आपके कुशल नेतृत्व के कारण शिक्षा के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है पुगल क्षेत्र के अंदर वो भी बहुत ही प्रशंसनीय है, और आपको हमारे पुगल क्षेत्र की तरफ से और हमारे छत्तीसगढ़ जो YouTube फैमिली है या जो हमारे ग्रामीण वासी हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं आपको कि उन लोगों ने आपके जो कार्यकुशल शैली है उस शैली को आपने बहुत तरीके से प्रदर्शित किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही कार्य करते रहें, हम आपका सहयोग प्रदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर।